माउंट कार्मल चर्च कक्को हुशियारपुर तो फादर परमजीत प्रेम जी की अगवाई विच जलंधर होने वाली रोश रैली विच भारी इकट्ठ नाल होए रवाना। यह रैली मणिपुर घटना ते रोज दांदे होए शांति रैली है, जिस विच विशेष तौर ते गुरमुख खोसला, सुनील मसीह, रॉबन मसीह, जैकब मसीह आदि शामिल होए। अज साडे वास्ते मणिपुर के लोगों उत्ते जिहड़ा अत्याचार हो रहा उहदे संबंध में जलंधर डायसिस वालों एक बहुत वड्डी विशाल रैली की मंग की गई है, इकट्ठे होकर उन्होंने लिए आवाज़ चुकन दे लिए, ताकि सेंटर सरकार ते मणिपुर की सरकार मिल के उन्होंने दोषियों उत्ते एक्शन लवे जिन्होंने उस मणिपुर के बहुत सारा अत्याचार किया, बहुत सारे चर्च जलाए गए हैं और खास करके मसीह भाईचारे उत्ते जो अत्याचार हुए हैं किसी भी करके हुए हैं, सारियां नूं शांति विच रहण दा हक है सारियां दा। ते जो अत्याचार हुए खास करके जो साड़ियां भैणां नूं जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया उस दे विरुद्ध विच अज सारी भाईचारे दे विच बहुत वड्डा रोस है। ते अज सारे इकट्ठे हो के उन्हां दे लई असीं अपना एक रोस मार्च कढ रहे हैं जलंधर विच, ते जलंधर विच नहीं सगों कई जगह ते अज इक्को वार कढ़िया जा रहा है जलंधर डायसिस वालों। तो ये असी इस हुशियारपुर इलाके के वालों जा रहे हैं बहुत सारिया बसा ला के सारे इलाके वालों, तो असी भी उस रोस मार्च में शामिल हो रहे हैं ताकि सेंटर सरकार उस प्रदेश की सरकार मणिपुर की सरकार उन्होंने समझ आवे, उन्होंने कान खुलन के असी सारे की रक्षा करनी है, सारे देश जिहड़ा साडा भारत देश सारे का देश है तो सारे इत्थे रहण का हक है, किसी नूं कोई तंगी तकलीफ ना आवे, खास करके औरतां दा उन्हां दी इज्जत दा जो बुरा हाल किया गया वो साडे सारिआं दे लई बहुत माड़ी गल सी। ते सारिआं ने सोशल मीडिया ते वो खबरां देखियां, वीडियो देखियां, ते सानूं सारिआं नूं बहुत दुख लगा। ते अज इस करके सारिआं दे खून खोले पए आ कि क्यों इन्हां घटनावां नूं रोकिआ नहीं जा रिहा, क्यों इन्हां ते ठल क्यों नहीं पाई जा रही, कौन है इहदे पिछे, ते जो भी इहदे जिम्मेवार आ उन्हां नूं सामने लिआंदा जावे और बनदी सज़ा दित्ती जावे, साडी इह मंग है। अज दा जिहड़ा प्रदर्शन होएगा शांति दा प्रदर्शन है जां इत्थे पुतला वी फूकिया जाएगा? बिल्कुल शांति दा प्रदर्शन है जी, असीं इह चाहुंदे हां कि मणिपुर दे विच शांति होवे, सानूं किसे नाल कोई लैणा देणा नहीं है, असीं जो साडा खास करके मसीह भाईचारा शांति पसंद भाईचारा असीं केवल शांति दी गल करदे हां, लेकिन इस वेले किन्ना क असीं चुप रहांगे, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਜਾਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
राष्ट्रपति राज जरा लागू किया जाए ता जो लोगों को शांति मिल सके। सो इन्ना ही कहें जय हिंद जय भारत जय ईशू।